जैसे आज हमारे यह लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आ रियल नंबर पी इज आ लिमिट पॉइंट, एक रियल नंबर पी एक लिमिट पॉइंट होगा ऑफ अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का। कब? यदि हम उसका नेबरहुड निकालें पी माइनस एप्साइलन और पी प्लस एप्साइलन, वो इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर जाए, यानी कि जितने भी पी के नेबरहुड हैं, हम अलग अलग एप्साइलन की वैल्यू रखें, वो सभी यदि हमारे उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर जाएं, यानी कि वो सारी वैल्यू उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती हो, तो हम उसे कहेंगे, तो हमारा पी जो हो जाएगा वो पी इज़ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हो जाएगा हमारा। फॉर इनफाइनाइट मैनी वैल्यू ऑफ एन, फॉर इनफाइनाइट वैल्यू मैनी ऑफ एन का मतलब यही है, पी के जितने भी हम नेबरहुड निकालें और यदि वो सारे नेबरहुड हमारे ए एन में एग्जिस्ट कर जाएँ, यानी कि उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर जाएँ, तो उस सीक्वेंस के लिए जो पी होगा वो हमारा लिमिट पॉइंट है। ये हमारी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होगी सीक्वेंस के लिए। अब एक रिमार्क है इससे रिलेटेड, आ रियल नंबर पी इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट, एक रियल नंबर पी लिमिट पॉइंट नहीं होगा किसी सीक्वेंस ए एन का, इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड ऑफ पी विच नो विच कंटेन ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इससे क्या हो गया, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारा कोई भी पी का एक ऐसा कंटेन कर जाए जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रखे, जैसे हमने की लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में फॉर इनफाइनाइट मैनी वैल्यू ऑफ एन, यानी कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू ना बैठ जाए, इनफाइनाइट वैल्यू हो एन की जो हमारे इस नेबरहुड में एग्जिस्ट करती हो, यानी कि पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन से मिलके इनफाइनाइट वैल्यू आए, एक कोई एक या दो ऐसा पी के लिए हमेशा नेबरहुड आ जाएगा, तो पी के अलावा भी ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एन होनी चाहिए जो इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करें। यही हमारी लिमिट के लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, और यही हमारा यहाँ पे मेंशन करा गया कि ऐसा ना हो यहाँ पे जो पी नेबरहुड किसी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के लो, उसमें पी के अलावा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जिस्ट करते हो उस सीक्वेंस के, जब कहेंगे हम कि पी जो है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है हमारा।